दोस्तों, आप सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं गुजरे होंगे सिक्योरिटी चेक से, फिर चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर हो कोई मेट्रो स्टेशन, वहां पे आपने देखे होंगे बैग स्कैनर्स। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि ये बैग स्कैनर क्या है, ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या है इनके कंपोनेंट और इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिट्टू में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बैग स्कैनर बेसिकली एक स्कैनिंग डिवाइस होता है जो हमारे लगेज को स्कैन करके सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ये पता लगाने में मदद करता है कि हमारे इस लगेज के अंदर वास्तव में रखा क्या हुआ है, कहीं उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो आगे चल के लोगों को नुकसान पहुँचा सकता है। ये तो थी बैग स्कैनर की बात की होते क्या है। अब चलिए हम बात करते हैं कि काम कैसे करते हैं। दोस्तों, ये जो बैग स्कैनर्स होते हैं इनमें बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है वो होती है कन्वेयर बेल्ट, दूसरा कंपोनेंट होता है स्कैनिंग मशीन, और जो इसका तीसरा कंपोनेंट होता है वो होता है मॉनिटर स्क्रीन। दोस्तों, अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। दोस्तों, जो कन्वेयर बेल्ट होती है उसके ऊपर रखते हैं हम अपना लगेज। ये कन्वेयर बेल्ट हमारे लगेज को पहुंचाती है स्कैनिंग मशीन तक। जो स्कैनिंग मशीन होती है वो हमारे लगेज को कम्प्लीटली स्कैन करती है और एक इमेज जनरेट करती है हमारे रखे हुए अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स की, और उस इमेज को वो ट्रांसमिट करती है बाहर रखे मॉनिटर स्क्रीन पे। उसी मॉनिटर स्क्रीन पे सिक्योरिटी ऑफिसर देखता है और एग्जामिन करता है हमारे पूरे सामान को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बैग स्कैनर्स के वर्किंग प्रिंसिपल की, किस किस प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, ये काम लेते हैं एक्सरेज को पूरी स्कैनिंग करने के लिए। जो मशीन होती है इसमें एक साइड पर लगे होते हैं एक्सरे एमिटर्स और दूसरी साइड पर लगे होते हैं डिटेक्टर्स। जो एक्सरे एमिटर्स होते हैं वो दो तरह की एक्सरेज को जनरेट करते हैं, एक होती है लो एनर्जी लेवल एक्सरेज और एक होती है हाई एनर्जी लेवल एक्सरेज। और दोस्तों, जो हमारा सामान होता है उसमें बेसिकली दो टाइप की ही चीज़ें होती हैं, एक होती है हाई डेंसिटी की और एक होती है लो डेंसिटी की। तो दोस्तों, जैसे ही हम अपना सूटकेस या अपना लगेज मशीन के अंदर डालते हैं तो ये जो एक्सरेज होती हैं ये हमारे सामान एंड बैग में एंटर करती हैं, और हमारे बैग में रखा हुआ जो सामान होता है उसमें जो हाई डेंसिटी के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लो एनर्जी एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हाई एनर्जी एक्सरेज को अपने अंदर से पास हो जाने देते हैं। और जो हमारे बैग में रखा हुआ लो डेंसिटी के ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल के एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लो एनर्जी लेवल एक्सरेज को अपने अंदर से पास हो जाने जाते हैं। और ये सारी जो एक्सरेज होती है जाके स्ट्राइक करती है डिटेक्टर पे, और ये डिटेक्टर एक उनकी अलग अलग इमेज जनरेट करता है और ये इमेज जो डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देता है बाहर रखे मॉनिटर पे। अब यही नहीं दोस्तों, जो मॉनिटर होता है उस पर भी दो अलग अलग कलर की इमेज जनरेट होती हैं जो ये दिखाती है कि कौन सी इमेज है वो हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट की है और कौन सी इमेज लो डेंसिटी ऑब्जेक्ट की है, ताकि बाहर बैठा जो इंस्पेक्टर है उसे ये बाइफरकेट करने में आसानी हो जाए। अब दोस्तों, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर ये मशीन काम में लेती है एक्सरेज को तो इसका मतलब जो ऑपरेटर काफ़ी देर से उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसकी हेल्प पे कहीं ना कहीं रेडिएशन का खतरा भी मंडरा रहा है। दोस्तों, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मशीन इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इसमें रेडिएशन का लेवल इतना कम होता है कि जिससे ह्यूमन हेल्थ पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल या सुझाव आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को हिट करके इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।